हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, कार्तिक आर्यन के अपकमिंग मूवी यानी कि धमाका, जिसकी वजह से जो फ्रेंड्स कार्तिक आर्यन को जो है करण जौहर की मूवी को भी जो है छोड़ना पड़ा, उनकी मूवी को जो है क्वाइट करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ धमाके की वजह से, जिसको फ्रेंड्स रिलीज होने वाला था आज यानी कि 5 जुलाई को। फ्रेंड्स, धमाका एक ऐसी मूवी जो कि 2019 से जो है लगातार पोस्टपोन हो रही है, कंटिन्यू पोस्टपोन हो रही थी, बट फ्रेंड्स इसका जो फाइनल रिलीजिंग डेट था वो जो अभी तक जो फिक्स नहीं हो पा रहा था। और फ्रेंड्स बार बार जो इसको पोस्टपोन करने के बाद जो है इसका फिक्स और नेटफ्लिक्स पे जो है इसका रिलीज करने का जो डेट रखा गया था वो था 5 जुलाई, बट फ्रेंड्स आज यानी कि 5 जुलाई को भी जो है इसको रिलीज नहीं किया गया। फ्रेंड्स, अब क्यों नहीं इसको रिलीज किया गया फ्रेंड्स, ये तो खबर निकल के नहीं आई है सामने, बट मैं आपको बता दूं, ये जो मूवी थी कार्तिक आर्यन की धमाका, ये फ्रेंड्स नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला था, वो भी आज के दिन यानी कि 5 जुलाई को, जो कि फ्रेंड्स आज भी रिलीज नहीं हुआ और इसको जो है दोबारा से जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। बट फ्रेंड्स जो इसका रिलीजिंग डेट नेक्स्ट क्या रखा जाएगा उसकी जो अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। सो फ्रेंड्स, आप इस चैनल के साथ बने रहना, इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा मेरे साथ तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वहीं फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो मूवी है यानी कि धमाका फ्रेंड्स, इसका जो है फुल एंड फाइनल हो गया था नेटफ्लिक्स के साथ। नेटफ्लिक्स ने जो है इसको ऑलरेडी इस मूवी को जो है 135 करोड़ में जो है खरीद भी लिया था, बट फ्रेंड्स इसको जो रिलीज नहीं किया गया है आज। अब क्यों नहीं किया गया, या तो खुदा जाने या फिर सूत्रों के हवाले से तो कोई खबर ही नहीं आई, तो अभी तो सिर्फ खुदा ही जानेगा फ्रेंड्स। अभी तो फ्रेंड्स सिर्फ खुदा ही बता सकता है कि भाई इसको जो है आखिर नेटफ्लिक्स ने जो है क्यों नहीं रिलीज किया। क्योंकि फ्रेंड्स जो धमाका मूवी के जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उन्होंने जो है 135 करोड़ में जो है इसका डिजिटल राइट्स जो है नेटफ्लिक्स को बेच दिया। अब फ्रेंड्स अब नेटफ्लिक्स इसको कब रिलीज करती है कब रिलीज नहीं करती है वो नेटफ्लिक्स जाने या फिर नेटफ्लिक्स का मालिक जाने या फिर ऊपर वाला जानता है, बट फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा मेरे पास तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और फ्रेंड्स अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज यार एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स, प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। वहीं फ्रेंड्स साथ में ये भी बताना कि आप कार्तिक आर्यन की मूवी धमाका को देखने के लिए आज कितना एक्साइटेड थे फ्रेंड्स, एक कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।